रंगकर्मी उषा दीदी आज सुबह हार्ट अटैक से हमारे बीच में नहीं रही। तो हम सब मिलकर मैं तो खैर दुखी हूं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि उषा दीदी ने कोलकाता में हिंदी रंगमंच को परचम पे लेके गए थे और बहुत बोल्ड तरीके से वो अपना रंगकर्म करते हैं और अधिकतर स्त्री विमर्श पे वो बातें करते हैं और बहुत बहुत अच्छा व्यक्तित्व और बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे वो। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये सभा शुरू होने से पहले हम उषा दीदी को एक मिनट लिए याद करेंगे। वसंत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आज बहुत ही विषाद का, दुख का दिन है। सुबह अशोक भौमिक का जब फोन आया, उसने बोला उषा जी नहीं रही, आश्चर्य नहीं हुआ। अभी चार दिन पहले उनसे बात हुई थी इसी कार्यक्रम के लिए, उन्होंने हाँ कहा और मैंने गीतांजलि जी का नंबर भी उनको दिया था। और देखिए कितना दुखद हुआ, उषा जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहें, उनके लिए तो पूरा दिन बोलने के लिए कम है। गड़बड़ हो गया था? हाँ सर, थोड़ी आवाज में। रंगमंच के एक सशक्त हस्ताक्षर थी, उनकी कलकत्ता में रंगकर्मी संस्था थी और रंगकर्म के प्रति निष्ठा ही। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। रंगकर्म के प्रति निष्ठा ही उनको वामपंथ की वैचारिक प्रतिबद्धता को निर्वाह करने में मदद की और उन्होंने बहुत सारे नाटक किए जिसमें रुदाली, कोर्ट मार्शल, काशी का अस्सी, ऐसे अनेक नाटक थे जिनका हमने जबलपुर में बहुत सारे शोज कराए थे। और जबलपुर में वो इतनी बार आई कि हमारा एक परिवार की सदस्य थी, उनका एक ही कहना था जब भी वो आए नाटक के बाद वो रंगकर्मियों से मिलना बहुत पसंद करती थी, उनसे बातचीत करना बहुत पसंद करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति प्रोफेसर गांगुली का निधन हुआ, उसके बाद आज अचानक वो हमसे विदा ले ली। बहुत दुखद है। इस दुखद घड़ी में हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जैसा कि गीतांजलि ने कहा, शो शुड गो ऑन, ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए और ये कार्यक्रम होगा। आज विनय जी के इस सेशन से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और हम उनको याद करेंगे। हम पूरे रंगमंच की दुनिया की ओर से, अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में विनय सर है जो आज थिएटर की क्लास में उनका सब्जेक्ट रहेगा रंगमंच पर विन्यास और विन्यासकर्ता की भूमिका। इसके ऊपर आप सर से बहुत गहरे से रंगों का संयोजन, रंगों का चयन और काल के अनुसार रंगों का महत्व, इसके ऊपर आप सर से सुनेंगे। सर रंगों के साथ खेलते हैं, मैं बहुत करीब से उनको जानती हूँ, बहुत बहुत सौम्य व्यक्तित्व की धनी है। तो सर हमारा हमारी पूरे क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। शुक्रिया गीतांजलि। मैं उषा गांगुली जी को सलाम कह के अपनी बात शुरू करता हूँ। दरअसल एक गजल का एक शेर है कि रंग बातें करें और बात में खुशबू आए, रंग बातें करें और बात में खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महक अगर तू आए। तो एक महक हमारे पीछे चली गई, लेकिन हम जिस रंग की बात आज करने जा रहे हैं वो इन युवा रंगकर्मियों के लिए एक ऐसी वफासत है, एक ऐसी बात है जो ये लाइन है कि रंग बातें करें और बात में खुशबू आए। क्योंकि जब हम थिएटर करते हैं, जब हमारा रंगमंच का जब पर्दा खुलता है तो सामने सबसे पहले हमारे कुछ रंग होते हैं। जो हमारा दर्शक होता है वो सेट पर हमारे सबसे पहले रंग देखता है। रंग में अगर कोई सूत्रधार है या कोई एक्टर है जो मंच पर पहले से विराजमान है या खड़ा है या स्थापित है,
उस और चूंकि रंग भाषा ही है, रंग कर्म, नाम ही दिया रंग कर्म, तो ये तमाम रंगों का एक मिला जुला रूप है। और मेरा अपना जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से मैं जिस तरह से जिन लोगों के साथ काम किया हूँ, तो मैं इन युवा प्रशिक्षु रंगकर्मियों से जहाँ से बात शुरू करूंगा वहां से ये करूंगा कि आप जब रंग कर्म की दुनिया में आते हैं और जब आप थिएटर में पहला कदम रखते हैं, तो मुझे जहां तक मेरा अनुभव है प्री मैच्योर इमैच्योर थिएटर्स के लिए जहां तक बात कर रहा हूं, और आप मैच्योर दुनिया में जाने वाले हैं, यहां पर भाषा के तौर पर रंग या आर्ट को लेके उतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर मुख्यतः बात होती है केवल कि हम सेट पर खड़े होते हैं, हम स्क्रिप्ट पर रीडिंग करते हैं, हम रीडिंग पर बात करते हैं, बात करने के बाद हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करने के बाद हम उस पर रिहर्स करते हैं, और अंत में हम लाइट पर थोड़ा काम करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को दे देते हैं कि तुम थिएटर सेट करना है, तुम्हें कॉस्ट्यूम करना है, है ना, ये हम बांट देते हैं। अक्सर आता है ना ब्रोशर के अंदर कि कॉस्ट्यूम इन्होंने किया, सेट इन्होंने किया, जबकि शायद उन आर्टिस्टों को ये मालूम भी नहीं होता है कि हमें सेट में करना क्या है। अमूमन जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो परिकल्पना होती है, उनकी परिकल्पना में भी ये चीजें गौण रहती है, खासकर इमेच्योर थिएटर के अंदर ये चीज है। और इसकी वजह ये है कि हमने कभी भी इस भाषा की जो समिष्ट है, इस भाषा का जो काम है, उसे जो रंग कर्म का दर्जा दिया गया है, रंग कहा गया है, उस रंग की परिभाषा को हमने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया। मैं शुरुआत यहां से करूंगा, अपना ही उदाहरण देता हूं, वहां से शुरुआत शायद समझ में आए। विभा रानी का एक नाटक है तीर पराई जी। जब ये नाटक शुरू हुआ तो नाटक के डायरेक्टर जो है वो प्रगति विवेक पांडे है, और इसके सूत्रधार अरुण पांडे ने ये स्क्रिप्ट विभा रानी से प्राप्त की और इस पर काम शुरू किया। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भाषा है, एक बड़ा अजीब तरह का समुच बनता है कि जब एक डायरेक्टर ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की जो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे रंगमंडल के निदेशक और बड़े डायरेक्टर ने ये मुझसे ये मुझको कहा कि ये इस पर तुम्हें यार मेरा सोचना ऐसा है कि यहाँ पर एक मुझे पेड़ चाहिए, यहाँ पर एक झूला चाहिए बच्चे का झूलने वाला, ये दो चीजें मुझे चाहिए, आप इसे कैसे करते हैं जरा तुम करके दिखाओ। मैंने कुछ ड्रॉइंग्स किए, कोशिश की मैंने बहुत के लोगों से बात करूं, लेकिन लोगों से बात नहीं हुई। अंततः मैंने एक क्राफ्ट का एक पेड़ तैयार किया, इसमें लाल नीले पीले हरे बड़े बड़े पत्ते, एक तरफ एक झूला रखा, उस झूले को भी मैंने कुछ रंगों से सजाया। और इस पर ठप्पा कब लगता है, देखिए कोई बड़ा डायरेक्टर या बड़ा मर्मज्ञ सामने आता है तब आपकी आपकी सोच पर आपके काम पर ठप्पा लगता है, यानी कि आपने काम बेहतर किया है कि नहीं किया है ये पता लगता है। किरण जो संगीत अकादमी डायरेक्टर थी, किरण भटनागर मैडम वो एक शो में आई हुई थी, उन्होंने शो देखा। और देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए, मैं कई उदाहरण से बात करता हूँ। सर तो मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगी, सर आप थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, हाँ अपना माइक थोड़ा पास में कर लीजिए तो और क्लियर आवाज आएगी। माइक आपका ये जो हाँ इसका ईयरफोन का जो माइक है वो ठीक है ओके ओके ओके। तो जब किरण भटनागर यहाँ आई, उन्होंने जब प्ले देखा, प्ले देखने के बाद वो प्ले देखने के एक दिन पहले मुझे देख रही थी वो, कि मैं कोई लाल रंग का, एक ठंड का दिन था, लाल रंग का जैकेट पहन के उस पर ब्लैक स्पॉट्स है बड़े बड़े, कुछ ब्लू कुछ येलो कलर का मेरे पास कुछ पीसेस है, वो लेके मैं अपने आसपास घूम रहा हूँ। सेकंड टाइम नाटक देखा, नाटक में देखा कि सेट किसने किया है, नाम आया, मैं ऊपर आया, उसके बाद चले गए। सेकंड डे बैठक हुई, बैठक में तीन बड़े नाटककार थे और उस वक्त छह नाटकों का यहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ था। किरण भटनागर ने कहा कि मैं अपने जीवन, चूंकि किरण भटनागर ने कलर पर पीएचडी की है जी, तो कलर, तो उन्होंने जब ये बात कही कि इन पांच नाटकों के अंदर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सेट पर चर्चा हमने चार नाटकों पर नहीं की, पांचवें नाटक पर हम करेंगे, क्योंकि ये इतना खूबसूरत सेट था जिसके अंदर सबसे कम प्रॉपर्टी यूज की गई और कलर से खेला गया, और खासकर लाल कलर से खेला गया, इसमें लाल रेड कलर का बहुत इस्तेमाल किया गया। और जैसा कि मैं देख रही थी विनय को, कि विनय लगातार जिन कपड़ों को पहन के घूमते हैं वो सारे कलर्स उन्होंने उस सेट पर लगाए हुए थे, रखे हुए थे। बात यह खत्म करता हूं, मेरा काम वहां तक था कि उन्होंने मेरे सेट को अच्छा कहा।
अब मैं आपसे बात करता हूं कि जब आप कहीं सेट पर जाते हैं और सेट पर कोई काम करने मिलता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किस कालखंड के नाटक को कर रहे हैं, क्या हम किसी आधुनिक नाटक को कर रहे हैं और क्या हम किसी कंटेम्प्रेरी नाटक को कर रहे हैं। अब कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है, ये भी बहुत बड़ी एक समय का काल है, बड़ा लंबा काल है कि हम कंटेम्प्रेरी किसे कहते हैं। इसमें बड़े अपभ्रंश आ रहे हैं दुनिया में काय है, लेकिन ये बड़ा एक डायलेक्टिकल नाम है कि हम कंटेम्प्रेरी थिएटर करते हैं। तो कंटेम्प्रेरी थिएटर के अंदर आप एक ऐसा थिएटर चुनते हैं जिसके अंदर आपके समकक्ष बहुत सारे पुराने वो लोग होते हैं जो आज की दुनिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिखन में। ठीक है, हम वो नाटक करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या हम एब्सर्ड करते हैं। ठीक है, हम कोई ऐसा प्ले करते हैं जिसके अंदर हम आध्यात्मिक गुण को दिखाना चाहते हैं, हम ऐसा कोई प्ले करते हैं जिसके अंदर हम कोई वीर रस की बात करते हैं, हम कोई ऐसा प्ले करते हैं जिसमें कोई हास्य रस की बात करते हैं। तो हमारे जीवन में जो रस है उन रसों को जब हम संपादित करते हैं थिएटर के ऊपर, तब हमें कलर की, रंगों की बहुत बारीकी से पहचान करना पड़ती है। अमूमन ये होता है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं खासकर एमेच्योर थिएटर के अंदर कि उनके कुछ पसंदीदा कलर्स होते हैं जो पहनते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल वो थिएटर में करते हैं, जबकि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कलर की चॉइस होती है। ये भाषा, रंग भाषा की चॉइस नहीं होती, रंग भाषा की चॉइस अपने गुण के हिसाब से, अपने संवाद के हिसाब से और आपकी स्क्रिप्ट के अनुसार तय किए जाते हैं। अमूमन आपके साइकोड्रामा में ब्लैक कर्टन होता है, आपकी विंग्स ब्लैक होती हैं, आपकी जो बेसिक लाइट है टंगस्टन लाइट जिसे बोलते हैं वो येलो होती है और हम पूरा थिएटर जो है येलो लाइट में ही करते हैं। ठीक है, हम व्हाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि व्हाइट लाइट जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कलर की डेप्थ जो होती है स्टेज खत्म हो जाती है, तो इसलिए हमें स्टेज के ऊपर टंगस्टन यानी कि येलो लाइट का इस्तेमाल करना होता है जिससे हमारे स्टेज के ऊपर तमाम तरह की डेप्थ जो होती है, जो सेट पर हम काम करते हैं, जो सेट पर हम चीजें बनाते हैं रंग के साथ, वो हमें दिखना शुरू होती है। हमारे एक्टर को उससे और निखार मिलता है, एक्टर के संवाद को और ताकत मिलती है, उसी से संगीत उठता है और उसी से पूरा नाटक उठता है। तब हम ये सोचते हैं कि हम अगर मान ली, सपोज करिए मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोर्ट मार्शल नाटक मान लो, उषा गांगुली का नाटक बहुत फेमस नाटक है और इस नाटक से जुड़ी मेरी बड़ी बड़ी स्मृतियां हैं जलपुर के अंदर और बाद में भी। उषा गांगुली के कोर्ट मार्शल में जब वो सेट करती हैं तो उसमें सेट में होता क्या है, जब उषा गांगुली काशी का 80 करती हैं, काशी के 80 पर वो नाटक करती हैं, तो उनके सेट में कुछ नहीं होता है। उनके सेट में एक सीढ़ियां होती हैं चारों तरफ चढ़ने वाली, वो भी काले रंग की होती हैं, उसके ऊपर झंडा होता है जो केसरिया होता है। अब इस सेट में इस कलर के साथ कॉस्ट्यूम भी बहुत काउंट करती है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जिस कॉस्ट्यूम को हम पहन रहे हैं वो भी हमारे स्टेज का कलर सेंस का हिस्सा है। तो कई बार हम सेट पर कलर बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन हम ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि वो कपड़ा हमारे पूरे सेट की कहानी को, हमारे सेट के वक्तव्य को उल्टा कर देता है। अमूमन सामान्य दर्शक को समझ में नहीं आता है लेकिन कोई समीक्षक बैठा हुआ है या कोई रंगकर्मी जो बहुत गूढ़ तरीके से देखता है उसको समझ में आता है कि ये बात जो कही जा रही थी, इस बात को कहने का ढंग ये होना चाहिए था, कलर के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। मसलन आप जरूर देखें, एक प्ले है अंडोरा, ये अलग जी का नाटक है, और एक नाटक जरूर देखें सेट की दृष्टि से, अर्थदोष, जो अनुजोशी बंटी का है। आप ये दो नाटक जरूर देखें क्योंकि ये दो नाटक, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दो नाटक रंगकर्म की दुनिया में, सेट में, कलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। अर्थदोष नाटक में मैं चूंकि अपनी बात ऐसे उदाहरण से करता हूं, अर्थदोष नाटक एक पुरानी कहानी है, उस कहानी के अंदर अनूप जोशी बंटी ही सेट करते हैं, अनूप जोशी बंटी डायरेक्ट करते हैं, अनूप जोशी बंटी ही कॉस्ट्यूम करते हैं। इतना अद्भुत नाटक में इतना अद्भुत सेट और कलर का इस्तेमाल मैंने इसके पहले सिर्फ और सिर्फ देखा है रतन थ्याम जी के नाटक में। वो ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन के इस्तेमाल में जब घुसते हैं तो कहानी के एक एक करेक्टर पर वो रंग प्रसारित होते हैं, संपादित होते हैं, और संपादित होकर जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं, तो आपको उस भाषा का पूरा आनंद मिलता है। अनूप जोशी बंटी जिस कहानी की बात कर रहा हूं अर्थदोष की, उसके अंदर वो
पीछे कुंडे में एक हल्का सा व्हाइट टॉवल और एक रेड कलर का कपड़ा लगाते हैं, और उनकी जो एक्ट्रेस है वो ब्लू कलर का गाउन पहनती है। हम जाहिर है कि जो जो भी नाटक विदेशी है इसलिए उसके अंदर जो हीरो है वो सूट पहनते हैं ब्लैक या कोई गाउन पहनते हैं। अब ये पूरी लाइट टंगस्टन लाइट जब ये करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो जो रेड कलर का इस्तेमाल इन्होंने किया है वो आप मान लीजिए, अगर आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप घर की छत पे खड़े हो जाइए घूमने, छत पे खड़े होकर देखिए कि आपको ग्रीन रंग बहुत ज्यादा दिखेगा, और उस ग्रीन रंग के बीच में हरे रंग के बीच में कहीं एक लाल रंग का झंडा दिखेगा। अब आप देखिए कि मात्रा में हरा रंग बहुत ज्यादा है और लाल रंग छोटा सा है, लेकिन वो लाल रंग पूरे हरे पे हावी है। इसका मतलब ये है कि जब हम रंग की सामान्य भाषा में आते हैं तो हम चार रंगों का इस्तेमाल करते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा। आप जानते हैं कि ये बेसिक कलर्स हैं। अब इन रंगों के साथ जब हम इन रंगों के सामने जब आते हैं तो हमको ये फ्लैट दिखते हैं, ये तीखे दिखते हैं, चटक दिखते हैं। इनका इस्तेमाल हम सीधे करने जो लोग इसका इस्तेमाल सीधे करते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जो इसके पर्सपेक्टिव को बढ़ाना जानते हैं, इसके वॉश को जोड़ना जानते हैं, इसमें घुलना मिलना चाहते हैं, वो इसके सेकेंडरी फॉर्म में जाते हैं, यानी लाल और पीले को मिला के नारंगी बनाते हैं, ठीक है, नीले और हरे को मिला के वो एक नया कलर बनाते हैं, ग्रीन और येलो को मिला के वो एक नया कलर बनाते हैं। इस तरह से तमाम तरह के वॉश इफेक्ट्स हम अपने स्टेज पर खड़ा करते हैं और इसी में हम अपने कॉस्ट्यूम के रंग चुनते हैं। और इन रंगों में अगर आप वास्तविकता को देखें तो अंडोरा जो प्ले है वो पूरा व्हाइट सेट है, सैनिकों के कपड़े हैं जो हरे रंग के होते हैं, स्त्रियां जो गाउन पहनती हैं वो ग्रे और व्हाइट है, सॉरी ग्रे और ब्लैक है, और पीछे जो पीछे से अचानक से एक मैरी मरियम का जो स्टेचू निकलता है वो वैसे ही है जैसा लाइट ब्लू होता है। और इस येलो लाइट के अंदर आप आंखें बंद करके इस बात को सुनिए केवल कि जब आप इस व्हाइट प्ले में व्हाइट बैकग्राउंड में खड़े होते हैं और आपके सामने ब्लैक और ग्रे अद्भुत कॉम्बिनेशन के साथ ये आदमी ये डायरेक्टर अपने सेट पर सामने लाता है कलर को, और ये सबसे खूबसूरत बात एक है कि ये आपकी अपनी एक चिंतन शैली, आपकी एक स्वप्न प्रक्रिया है कि आप अपने रंग कर्म में अपनी कहानी को किस रंग में देखते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप वीरस की कहानी कोई कर रहे हो उसके अंदर आप लाल ही दिखाएं, या खून किसी का हुआ है तो आप लाल ही दिखाएं, ये कतई जरूरी नहीं है। ये जरूरी इस बात से होता है, ये इस बात से तय होता है कि आप इस कहानी के मार्फत जो नाटक कर रहे हैं उसमें रंग के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। अगर मैं किसी ऐसे ड्रामा का थ्रेट करूंगा या इसमें कलर कॉम्बिनेशन में लाऊंगा सेट करूंगा जहां पर एक कत्ल होता है तो मैं उसमें रेड नहीं दिखाऊंगा, मैं वहां पिंक कलर जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं इसके पर्सपेक्टिव को बदलूंगा, मैं उस कहानी के चरित्र को देखकर कि कत्ल हुआ क्यों है, कत्ल किस लिए किया गया है और किसने किया है, इस बात पर मैं लाल या पिंक कलर का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरे सामने कोई जो नौजवान लड़की है और वो प्रेम में है ना, आपने एक नाटक किया था जो शकुंतलम शायद कालिदास का जी है ना, तो उस नाटक के अंदर अगर सेट की बात आती है तो मैंने कई जगह देखा है कि उस नाटक के अंदर एक हरा भरा माहौल है, एक उष्णता के बीच में, गर्मी के बीच में, एक अजीब माहौल के बीच में, एक द्रोही माहौल के बीच में भी एक प्रेम है। मैंने उन सारे नाटकों में जो भी देखे मैंने उन सारे नाटकों में उस प्रेम का रंग मुझे नहीं दिखा, उजाड़ा दिखा मुझे, जबकि उस वो आषाढ़ का एक दिन है। तो क्या आषाढ़ सिर्फ एक ही नजर से दिखा जा सकता है? आषाढ़ की कई कहानियां हैं, आषाढ़ के कई रंग हैं, आषाढ़ के कई मुहावरे हैं। तो जब भी हम थिएटर करते हैं तो हमारी कोशिश ये हो कि हम रंगों की भाषा को समझने के लिए उस कहानी को कई बार पढ़े समझें और कहानी क्या कहना जा रही है और आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर डायरेक्टर हैं तो आप कहानी को अपनी तरह से संपादित करेंगे, आप कई चीज घटाएंगे कई चीज बढ़ाएंगे, तो आप उस कहानी के मार्फत से कुछ कहना चाहते हैं। लेखक ने जो कहानी कही है वो खत्म हो गई लेखक के लिखने के बाद,
आप जब स्क्रिप्ट उठाते हैं तो वो कहानी आपकी होती है और आप उसमें काट छाट करते हैं और अपनी कहानी कहते हैं। तो अपनी कहानी कहने के लिए आपको अपने रंग भी चला सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस प्रदेश से हैं, आप जिस मोहल्ले से हैं, वहां की बोली भाषा किस रंग में होती है। अगर आप ग्वालियर में हैं तो ग्वालियर के अपने रंग हैं। और कोई भी रंग कर्म पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग जब अपने लोक को पहचान लेती है तभी वो सार्वभौमिक होती है। ये बात मैं हमेशा और हर जगह कहता हूं कि अगर ग्वालियर के रंग कर्म में ग्वालियर के रंग की खुशबू नहीं है, ग्वालियर के रंग कर्म में ग्वालियर के सेट के डिजाइन में उसका पुट नहीं है, तो हम कहीं कहीं कुछ खो देते हैं। और ये हमारी नैसर्गिक जरूरत है। हम एक झोपड़ी बनाते हैं अपने सेट में, लेकिन हमारी झोपड़ी वो एक ऐसा अमूर्त फॉर्म बन जाती है, लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये केरल से लाकर लेकर आए। हमने फॉर्म केरल से उठाया है, हमने फॉर्म पंजाब से लिया है, चंबल से लिया, हम ये नहीं कह पाते। तो आप जब कोई फॉर्म उठाते हैं तो आप उस फॉर्म को किसी प्रदेश, किसी देश, किसी काल, किसी समय से उठाते हैं, तो उसी समय के साथ रंग भी चलते हैं। आज के समय में जब हम इस पीरियड में बात कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस समय में अगर हम रंग की बात करें तो कौन सा रंग हमें, हम स्टेज वाली जब स्टेज पर हैं और हम एक ड्रामा कर रहे हैं तो हम इस विषय को लेकर अगर ड्रामा कर रहे हैं तो हम अपनी दृष्टि से इसके पॉजिटिव को दिखाना चाहते हैं कि इसके नेगेटिव को दिखाना चाहते हैं। इन दोनों जगह पर हमारे रंग अलग अलग हैं। हमारा काम अभी इस वक्त ये है कि हम अपने काम से इस माहौल को उत्साहित करें, लोगों के अंदर जिंदगी लाए, उनकी निराशा को खत्म करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो रंग लगने वाले होंगे, पीले होंगे, नीले होंगे, मैजेंटा होंगे, है ना, माओ कलर्स होगा, ग्रीन के तमाम सारे शेड्स होंगे, और सबसे खूबसूरत बात खून भी होगा वहां पर जो हमारे अंदर है। हमें उसके उसको दिखाने के लिए भी हमें कहीं कहीं किसी कोने में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कासीगर जी बैठे हुए हैं, कासीगर जी ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं और उसके ऊपर लाल रंग का दुपट्टा डाले हुए हैं। अब ये थिएटर, ये एक थिएटरिस्ट की लैंग्वेज है कि वो सामने खड़ा कैसे होता है। तो हमें, आप जितने आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी अपनी दैहिक भाषा में रंग नहीं है। हम जिस स्क्रीन पर है वो भी रंग देखती है। तो अभी हाल फिलहाल काशीगर जी दिखा रहे हैं कि वो एक काबिल सोचने वाले, समझने वाले, रंग की भाषा को समझने वाले थिएटरिस्ट हैं। तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी रंग को बरतिए। अगर आप रंग को बरतना सीख जाएंगे तो मेरा एक कहना है कि आप जब स्टेज पर खड़े होंगे और जब आप किसी सेट पर कलर करने जाएंगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप कम से कम दो या तीन कलर में अपनी बात कह देंगे। हो सकता है कि एक बार आप एक ही कलर में भी बात कह दें और लाइट में जो लाइट के शेड बनते हैं, उसके जो वॉश बनते हैं, उससे अपनी बात को बड़ा कर दें, है ना। रंग की अपनी भाषा के अंदर बहुत सिंपल है कि हरे रंग को हमेशा उमंग के रूप में, हरियाली के रूप में, जो नौजवानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाल रंग को गुस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं या परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लू कलर को शांति के लिए, सौहार्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफेद रंग अक्सर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग को हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक नाटक देखा था तो नाटक को देखने में बहुत डर लग गया मेरे को, मैं उठ के चला गया बाहर, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा नाटक देख ही नहीं पाए। उसके अंदर हैवी रेड और हैवी व्हाइट। अब आप सोचिए कि इतनी हैवी, इतनी लाइट, आप येलो लाइट के अंदर काम कर रहे हैं, आपके सामने ब्लैक, पीछे ब्लैक साइग्रामा है, विंग्स ब्लैक हैं, और उसमें परसेंटेज माने तो 90% व्हाइट, 10% रेड। रेड वैसे ही वार्म होता है, व्हाइट ज्यादा दिखता है। उस कैरेक्टर का नाटक जो था उसके सेट कारण पूरा खत्म हो गया, क्योंकि सुनने वाला, दिखने वाला देख ही नहीं पा रहा था, वो उसको बीच में रोक रहा था, सेट चुभ रहा था आंखों में। तो कई बार हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे दर्शक को हमारे रंग चुभ तो नहीं रहे, हमारे रंग की व्यवहारिक भाषा जो है वो चुभ तो नहीं रही। इसमें जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये बड़े चुनाव करते हैं, ये बहुत धैर्य से देखते हैं रंग को। असाल का एक दिन अभी फिर से किया
हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं अजय जैन देशमुख जी ने, अब उन्होंने चूंकि वो फिल्म के सेट बनाते हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने जिस तरह से भोपाल के अंदर भारत में सेट बनाया तो उसमें इतने रंग थे कि उन रंगों के बीच में एक रंग बहुत बड़ा था और वो था दरवाजा। आशिकर जी ठीक बोल रहा हूं? और वो रंग जो नीले रंग का दरवाजा था वो उसने पूरी कहानी कह दी, आधे अधूरे की पूरी कहानी कह दी उन्होंने। तो आप चुनाव में, मेरा ये कहना भी है कि आप इतनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आप रंग पर भी पढ़ाई करें, आप कोशिश करें मार्केट में जाके एक रंग की पैलेट लेके आए, वाटर कलर का डिब्बा आता है वो लेकर आए, बेसिक कलर में दूसरे कलर मिलाए, सादे पेपर पे लगाए, फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि मार्केट में पोस्टर कलर मिलते हैं, सीसी में आते हैं, वाटर कलर अलग होते हैं पोस्टर कलर अलग होते हैं, आप वो लेकर आए, फिर उन कलर को आप अपनी डायरी बनाएं वॉटिसी उस पर लगाए, आप देखेंगे कि आप कलर मिलाते मिलाते आप एक अपनी भाषा भी बना रहे हैं, आप रंग की अपनी भाषा भी बना रहे हैं, उस भाषा से आप ना जो कहना चाहेंगे जो कहेंगे वो इतना गूढ़ होगा कि देखने वाला ये सोचेगा समझेगा जरूर कि इसने मेहनत की। क्योंकि इस वक्त आसमान बहुत साफ है, चांद बहुत साफ दिख रहा है, पक्षी बहुत चहचहा रहे हैं, नए नए पक्षियों के रंग भी दिख रहे हैं, तो इन रंगों के बीच में जब हम जाते हैं, जब हम घुसते हैं, जब इनसे हम तालमेल बिठाते हैं, तो जब तक ये हमसे बातें नहीं करने लगते तब तक हम इमेच्योर ही रहते हैं। अमूमन आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, जब यहां से पास आउट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप डायरेक्टर बन जाएं, आप ना प्ले करें, तो जब आप जब भाषा का इस्तेमाल करें तो आप भाषा के इस्तेमाल को चुनने के लिए आप रंग की बेसिक थ्योरी जरूर पढ़ें। उस बेसिक थ्योरी में लाल नीला पीला हरा, इन रंगों के साथ आप अपने आप को इस तरह से पेश आए कि अगर आप इन दो में से कोई एक रंग दो रंग उठाते हैं और उन दो रंग को बनाते हैं तो आप कोशिश करिए उन दो रंगों के तीन चार शेड बनाना कोशिश करिए पेपर पे। आप देखिए कि आपको धीरे धीरे जिस कहानी पर आप काम कर रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट पर आप काम कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे वो कहानी उस रंग में ले जाएगी, आपको धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं ये रंग में से ये रंग हर अलग हो जाना चाहिए, ये कहानी का ये रंग नहीं है, इस रंग में हम इस रंग को लाएंगे तो ये कहानी का हम जो कथक जो जो सूत्रधार है वो इस कहानी को यहां से लेके चलेगा इस रंग को और यहां तक ले जाएगा। अमूमन स्टेज पर लाइट के साथ लाल नीला पीला ही इस्तेमाल करते हैं लोग, इसके सेकेंडरी फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो चुनना और बनाना कठिन होता है, जबकि लाल नीला पीला हमें कहीं भी मिल जाता है, इसका हम उठा लाते हैं हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ठोस काम करने वाला व्यक्ति होगा तो वो अपने रंगों का चुनाव करते वक्त रंगों के अंदर जो वो चाहता है उसका मिश्रण जरूर करेगा। आप देखें व्योमेश शुक्ला का नाटक जो है राम की सती पूजा, उसके अंदर जिन रंगों का इस्तेमाल किया है वो इतने अद्भुत रंगों के साथ एक ऐसा वॉश ऐसा समिश्रण बनाते हैं कि देखने के बाद आदमी भौचक्का हो जाता है, वहां से हटता नहीं। आपके जबल ग्वालियर के ही अयाज खान का जो नाटक है वो जो उस पे सफाई कर्मी पे नाटक है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उनका सफाई पर एक नाटक है उनका, राक्षस कचरा उस नाटक की खूबसूरती है कि उस नाटक में जो कॉस्ट्यूम पहनी गई है उसके रंग बदलते हैं और वो रंग लाइट से बदलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने नाटक के अंदर अगर कोई कपड़ा चुन रहे हैं और उस कपड़े के साथ अगर आप किसी रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रंग को बदलना चाहते हैं, तो आपको इस थ्योरी को पढ़ना जरूरी है कि लाल रंग का कपड़ा पहनने पर अगर हम नीली लाइट उस पर डालेंगे तो वो शेड कौन सा बनेगा, वो कैसे परिवर्तित होगा। ये उस नाटक की बहुत खूबसूरत बात है कि जब वो पूरा कॉस्ट्यूम बदलता है बगैर कर्टन कॉल के, बगैर पर्दा गिराए लाइट से कॉस्ट्यूम बदलता है, कॉस्ट्यूम का रंग बदल जाता है। तो हमको ये भी सीखना है, ये भी समझना है कि हम अपने कॉस्ट्यूम करते वक्त अगर हम कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को अगर अचंभित करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश हो कि हम कपड़ों के रंग के साथ उसका फैब्रिक भी पढ़ें,
आप कॉटन के साथ अगर जाएंगे तो आपको रंग का परिवर्तन नहीं मिलेगा, जो आप सेनिल के साथ जाएंगे तो मिल जाएगा, साटन में मिल जाएगा, है ना, लेकिन लिजी विजी में नहीं मिलेगा आपको। तो आप ये चुनाव करते वक्त याद रखें कि हमें रंग कर्म करते वक्त रंग के चुनाव के साथ हमें अपने कपड़ों के चुनाव में फैब्रिक का भी इस्तेमाल करना है, जिसके कारण हम स्टेज पर अपने रंग को बदलते हुए शेड्स में दिखा सकते हैं, हम बगैर किसी रुकावट के, जो हमारे सेट की बहुत बड़ी जरूरत होती है। मैं सोच रहा हूं कि इनमें से अगर कोई बात करना चाहे, कोई बोलना चाहे, कोई पूछना चाहे तो हम बात करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों को यदि कोई सेट पर जो कलर का चयन होता है या जो हम लोग कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी चरित्र को लेकर ये कह दिया जाता है कि आप अपनी कॉस्ट्यूम खुद देख लीजिए, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बोल तो दिया लेकिन अब मैं यदि 60 साल का हूं तो मुझे क्या ब्राइट कलर लेना चाहिए या सफेद कलर के साथ ही खेलना चाहिए, यदि मैं इस संप्रदाय का हूं तो मुझे क्या ये कलर लेना चाहिए। यदि ऐसा कोई आपके पास सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछिए। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा नाम ऋषभ है और मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर, जैसे कुछ नाटक ऐसे होते हैं जिनमें मतलब ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं रहती है, मतलब उसकी कथा वस्तु के अनुसार मतलब चीजों की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन तब भी एक मन में एक वो रहता है कि शायद इसमें कुछ और प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करते भी हैं तो बाद में फिर ये रहता है कि इसका क्या मतलब है, क्यों, इसका क्या कारण है, ये चीज अभी मन में आती है, तो मतलब वो हम और क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने विजय तेंदुलकर का एक प्ले पढ़ा होगा, वो फुटपाथ, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइट दे सकते हैं, उसमें एक स्ट्रीट लाइट बताइए जो हम सिर्फ येलो कलर से उसे फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे और देखते हैं तो लगता है कि और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर मतलब नहीं पता चलता, तो बाद में उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं सर, तो वो कंफ्यूजन उसमें से निकल नहीं पाते, तो ऐसा कुछ बताइए कि मतलब ये इन चीजों से निकला जाए। देखो क्या होता है कि जैसे आपने जिस नाटक की फुटपाथ की बात की ना, उसमें एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, अमूमन स्लैट येलो ही है, है ना, और अगर आजकल व्हाइट आ गए लेकिन हम इस्तेमाल येलो ही करेंगे। अब हम व्हाइट लाइट से सॉरी येलो लाइट इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें अपनी रचनाशीलता में कुछ कल्पनाशीलता भी जोड़ना पड़ेगी, जैसे कि आपका पात्र किस कहाँ बैठ रहा है, आपने ब्लॉक कहाँ किया है, कहाँ से संवाद बोल रहा है, कौन सा संवाद बोल रहा है, वो क्या किसी चेयर पर बैठा है, किसी टेबल पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, कहाँ बैठा है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो रोड पे है, रोड पे है, फुटपाथ पे है, तो फुटपाथ में बहुत सारी चीजें होती है ना, आप डिटेल में कितना जा सकते हैं, डिटेल में जा, आप फुटपाथ पे कहीं टायर पड़ा हो सकता है, चप्पलें ही पड़ी हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है, कचरा भी हो सकता है, डब्बा भी हो सकता है, ड्रम भी हो सकता है, हो सकता है किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग पड़ी हो सकता है कि कोई कॉस्ट्यूम पड़ी हो किसी नाटक की। इट्स डिपेंड कि आप अपने नाटक को कहने के लिए जो नाटक फुटपाथ है उसको आप किस तरह से कहना चाह रहे हैं, उसके कथ्य को आप किस तरह से कहना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से इन सारी प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अमूमन ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपने नाटक में ऐसा क्यों किया जी, है ना, ये बात कर रहे हैं, कंफ्यूज जाते हैं आप कि हमसे कोई पूछेगा या हम करेंगे कैसे। सवाल ये है कि आप जब नाटक कोई करते हैं तो आप इस पर जरूर काम करें कि आप अपनी एक विचारधारा जरूर बनाएं कि आप नाटक करते क्यों हैं। अगर आप नाटक इसलिए करते हैं कि आपको नाम कमाना है, आपको पैसा कमाना है, या आपको कोई बेहतर बात जनता तक पहुंचाना है, इन तीनों बातों में, या आपको बंबई जाना है, या आपको बहुत बड़ा स्टार बनना है ना, या आपको रंगकर्म की दुनिया का बड़ा स्टार बनना है, तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास, मैं थिएटर करता हूं तो मुझे थिएटर करने मुझे मालूम है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो इस 100 रुपए के अंदर मैं ऐसी चीजें इस्तेमाल करूंगा कि वो
2 लाख रुपए की दिखती है, दिखना चाहिए। यह आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है आपके विजन की, आपकी कल्पनाशीलता की। इसलिए आप घबराए नहीं इस बात से, और आप बकायदा अगर आपके अंदर उमंग है तो आप सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करिए कि आप अपने कहने के ढंग को एक जगह पर, मैंने एग्जाम्पल दिया, आप इसको समझने की कोशिश जरूर करें, बार बार समझें कि मैंने कहा कि आप छत पर जाकर देखें कि आपके चारों तरफ हरा रंग है और उसमें एक छोटा सा लाल है। आप मान लीजिए कि आपका स्टेज यही है, आपके स्टेज में चारों तरफ ब्लैक है, येलो लाइट है, जो चार तरफ उसके बीच में कहीं एक छिन नीला, हल्का सा पीला, इनमें से एक या सब, ये आपकी रचनाशीलता के बाद ही डेवलप होता है। इसमें कोई व्यक्ति ये